और अब बात आगामी शीतकालीन सत्र की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधायकों के सवाल जवाब पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, अधिकारी सत्र के समय अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें। आगामी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है। परंपरा के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम विभागों के अधिकारियों के सचिवों के साथ बैठक की, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके बाद याचिका समिति की बैठक हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सदन संचालन के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। पंचम झारखंड विधानसभा के दसम शीतकालीन सत्र आहूत की जा रही है, जिसके निमित्त आज उच्च स्तरीय बैठक हो गया। तमाम विभाग के तमाम सेक्रेटरी को बुलाया गया था और सत्र के आहूत के दरमियान उनका जो आवश्यकता है उस पर दिशा निर्देश दिया गया। इसके बाद फिर विधायक दल के नेताओं के साथ अभी बैठक होना है और फिर आप तमाम जो पत्रकार समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों से भी बैठक होना है। सदस्यों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब का पेंडिंग रहना पहले भी चिंता का विषय रहा था और ये ट्रेंड अभी भी कायम है। याचिका समिति की बैठक में हिस्सा लेकर निकले विधायक नीरा यादव ने कहा कि जवाब अगर समय पर ना मिले तो क्षेत्र में जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। के विधानसभा में ही अपने बहुत सारे प्रश्न डालते हैं, उसका उत्तर जनता को देना होता है, इसलिए इस मकसद से वो डालते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है, हम लोगों के साथ भी बहुत सारा हुआ है, कि कई मुद्दे काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं, तो समिति के अनुसार कई सारे मुद्दे जो हैं उनका सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% हो पाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कहीं ना कहीं आप जनता को फिर जवाब देने के लिए फिर कोई आपके पास रास्ता नहीं रह जाता है। और अभी हम लोगों का विधानसभा चलने वाला है 19 से 23 तक, 5 दिनों का छोटा ही मानसून, ये शीतकालीन सत्र है, लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक नहीं सॉल्व हो पाया है वो सब हम लोग ला सकें और यहाँ पर हम लोगों को जवाब मिले। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जवाब समय पर दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पेंडेंसी की संख्या पहले से थोड़ा कम जरूर हुई है, मगर वो इसे पूरी तरह से शून्य पर लाना चाहते हैं। सभी अधिकारियों से बार बार स्मारित किया गया कि भाई माननीय सदस्यों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं उस सवाल का उत्तर तो निश्चित रूप से सदस्यों को संतुष्ट करने लायक तो निश्चित रूप से दीजिए और विधि सम्मत जवाब आप दीजिए और ससमय दीजिए। ऐसा नहीं कि हमने सवाल किया और उत्तर नहीं आया, ये ठीक बात नहीं है। मौजूदा सत्र सिर्फ 5 दिन का है, जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने के साथ साथ अनुपूरक बजट और प्रश्नकाल और शून्यकाल सब सुचारू रूप से चले, इसके लिए पक्ष विपक्ष अधिकारियों और पत्रकारों का सहयोग मांगा गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 तारीख से शुरू होने वाला है। सत्र कैसा होगा फिलहाल ये तो कहा नहीं आ सकता, क्योंकि विपक्ष की भूमिका पर यह सब कुछ निर्भर करेगा। विपक्ष क्या कार्रवाइयों में सही तरीके से भाग लेता है, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार विधेयक लाने की कोशिश करेगी, चर्चा कराने की कोशिश करेगी। इन सबके बीच में एक जो लगातार एक जो शिकायत रहती है सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, कि अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। लेकिन इस बार इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस बार का जो सत्र हो सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, बहुत सारे काम हो जाए और उसी तैयारियों में लगातार बैठकें वो कर रहे थे अधिकारियों की बैठकें भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधा इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। विपिन, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विधानसभा का सत्र सभी के लिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार जनता के लिए बहुत सारी चीजें लेकर इसमें आती है, चर्चा होती है, स्वस्थ परिचर्चा होती है। इन सब के बीच में अधिकारियों की बात लगातार उठते रही है और आज बैठक में खासतौर पर हमने देखा कि विधानसभा स्पीकर ने यही कहा कि आप मौजूद रहे, पेंडेंसी जो सवालों की होती है जवाब देने की वो जीरो करना चाहते हैं।
जी देखिए पंकज, सोमवार से शुक्रवार तक चलने वाले 5 कार्य दिवस वाले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें विधानसभा में की। सबसे पहले राज्य के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है, चाहे वो विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर आए दिनों जो बातें आती है कि सदन की कार्यवाही के दौरान अधिकारी दीर्घा में अधिकारी मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसे में अधिकारियों की उपस्थित सुनिश्चित हो, इसको लेकर टास्क दिया गया। और साथ ही साथ जो प्रश्न सदन में आए जाते हैं, क्योंकि बीते 2-3 सत्र से यह देखने को मिल रहा है कि कई विधायकों ने इस बात को लेकर सदन में आपत्ति जताई थी कि उनके सवाल कुछ है, जवाब कुछ और आए हैं, या फिर जो सवाल के जवाब आते हैं वो भ्रामक होते हैं। इसको लेकर प्रिविलेज भी सरयू राय ने लाया है सदन के अंदर, पिछली मर्तबा जब उनका सवाल था उसके गलत उत्तर आए थे, तो ऐसे में स्पष्ट और सटीक उत्तर को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया है विधानसभा अध्यक्ष ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात की देर शाम 5:30 बजे से विभिन्न विधायक दल के नेताओं के साथ विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक की, लेकिन ये बैठक एक कोरम बन के रह गया। महज विधानसभा अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को अधिकृत किया था संसदीय कार्य मंत्री, और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने, तो वित्त मंत्री पहुंचे थे, सदन नेता यानी सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे, और सिर्फ आजसू के विधायक लंबोदर महतो और माले विधायक विनोद सिंह, जो कि इस बार उत्कृष्ट विधायक चयनित हुए थे, उनकी मौजूदगी, यानी कि महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र को लेकर जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो एक बार फिर से उसका प्रतिनिधित्व इस एक तरह से जो सर्वदलीय बैठक कही जाती है सदन की कार्यवाही और सत्र के पहले, उसमें सुनिश्चित नहीं हो सकी, ये लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब तक लीडर अपोजिशन का मामला पेंडिंग है झारखंड विधानसभा के ट्रिब्यूनल में, ऐसे में विधानसभा की तरफ से या तो बीजेपी के जो मुख्य सचेतक है या वरीय विधायक जो होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बीजेपी के तरफ से बाबूलाल को न्योता नहीं दिए जाने की वजह से इस बैठक में बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता है। ये लगभग बीते 3 वर्षों से हर सत्र के पहले की बैठक में ये देखने को मिली। और जो बैठक आज हुई विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, उसमें सदन का जो 5 कार्य दिवस है, जिसके तहत पहले दिन शोक प्रस्ताव में सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा है वो पूर्ण होगा, दूसरे दिन सदन के पटल पर अनुपूरक बजट लाया जाएगा, और जो अंतिम का 3 दिन है, जिस दिन राजकीय विधेयक के अलावा जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, जो कि 23 तारीख को हाउस में ले किए जाना है, उसको लेकर चर्चा की गई। अब तक 37 प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, जो कि 23 तारीख के कार्यवाही में सदन में द्वितीय पाली में विधायक रखेंगे। इसके अलावा जो बात की जाए तो तकरीबन 5 से 6 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में सरकार पेश करेगी, जिसके तहत 3 निजी विश्वविद्यालय के विधेयक सदन में आने हैं, नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन में आना है, इसके अलावा उत्पाद निषेध विधेयक जो था जिसको कि राज्यपाल ने वापस किया था, उसे सरकार फिर से ले कर सकती है इस शीतकालीन सत्र में। तो कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिस पर सदन की मंजूरी जरूरी होगी, खास करके जो नगर पालिका संशोधन विधेयक है, जिसके तहत 3 नगर निगम को जो है वो हमेशा के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, जो प्रावधान पहले था उसके अनुरूप। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिल आने हैं, क्वेश्चन आवर में कई महत्वपूर्ण सवाल आने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सदन इस बार चलेगा, क्योंकि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं और बीता जो मानसून सत्र था उसके बाद राज्य में जो गतिविधियां बढ़ी हैं, चाहे वो ईडी की बात करें या फिर हाल के दिनों में या फिर आज जो नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने खारिज किया है, कल सुप्रीम कोर्ट से पंचायत सचिव को लेकर जो निर्णय आया था, और ऐसे कई लॉ एंड ऑर्डर की बात करें जो लगातार जिसको विपक्ष प्रमुख मुद्दा बना रहा है, तो ऐसे कई मसले विपक्ष के इस बैठक से बीजेपी दूर रही, तो स्पष्ट संकेत देता है कि बीजेपी का रवैया क्या रहने वाला है। अब हमारे साथ बने रहेगा विपिन, इस और एक दूसरे खबर पर चर्चा करें, बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।